नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सब। आई 14 फरवरी अर्थात प्रेम दिवस विश्वभर आई प्रेम आदान प्रदान का प्रेम दिवस मनाई रहा। निर्वाचन आयोग के लिए प्रस्तावित 3 आयुक्त के संसदीय सुनवाई आई से शुरू भ रहा। जय बहादुर चंद के प्रहरी प्रमुख में पदस्थापन नहीं कर सर्वोच्च के दोसर आदेश। काल विभिन्न कार्यक्रम का विश्व रेडियो दिवस मनाओल गेल। आ पाकिस्तानक लाहौर में बम विस्फोट, डीआईजी आ एसएसपी सहित 13 गोटे के मृत्यु। आई 14 फरवरी अर्थात प्रेम दिवस विश्वभर आई प्रेम आदान प्रदान का प्रेम दिवस मनाओल जा रहा है। आज दिन खासतौर युवा युवती सब एक दूसर के प्रेम प्रस्ताव राखि का प्रेम दिवस मनाई रहा है। अना का एक दूसर के आजुक दिन उपहार से दल जाते हैं। आजुक दिन एक दूसर के प्रेम के प्रतीक के रूप में रहल लाल गुलाब दल गला के कारण से नेपाल में अ बेर से भारत से करीब 50 लाख बराबर के लाल गुलाब आनल गेल। अना का विभिन्न ठाम में युवा सब उत्साहपूर्वक प्रेम दिवस मनाई रहा है। खास कर युवा युवती सब प्रेम दिवस मनतु हरेक उमेर के व्यक्ति सब एक दूसर पर प्रेम आदान प्रदान का प्रेम दिवस मनाई रहा है। आजुक दिन विभिन्न पार्क तथा सार्वजनिक स्थल सब में अन्य दिन के तुलना में अत्यधिक भीड़ लगते है। प्रेम भक्त वैलेंटाइन के मृत्युदंड देने याद में प्रणय दिवस मनाब लागल लगल शुरू कैल गेल दिवस अखन विश्वभर चर्चित रहा है। निर्वाचन आयोगक लेल प्रस्तावित 3 आयुक्त के संसदीय सुनवाई आई से शुरू भ रहा है। संसदीय सुनवाई विशेष समिति आई बेरिया के 1 बजे के लेल आयुक्त के सुनवाई प्रक्रिया आगू बढ़ावा बैसार बजौनी है। सोम दिन आयुक्त ऊपर परल उजरी में परामर्श केने समिति आई सुनवाई कर लागल है। समिति में एकटा मात्र उजरी परल बताओल गेल है। संवैधानिक परिषद निर्वाचन आयोग के आयुक्त के लिए सुधीर कुमार शाह, ईश्वरी प्रसाद पौड़ेल आ नरेंद्र दहाल के सिफारिश केने छल। बाबूराम भट्टराय नेतृत्व केने नया शक्ति पार्टी नेपाल आ गंगा चौधरी सत गोहला नेतृत्व केने थरुहट पार्टी लोकतांत्रिक बीच पार्टी एकता भेल है। दू पार्टी बीच सोम दिन एकता भेल है। एकीकृत पार्टी के नया नाम नया शक्ति नेपाल रहत। पार्टी एकता संगे अब नया शक्ति के संसद में प्रतिनिधित्व हैत। चौधरी नेतृत्व केने पार्टी में ओ सांसद है। चौधरी व्यवस्थापिका संसद के विधायन समिति के सभापति से हो। नया प्रहरी प्रमुख बारे असमंजस कायम रहल समय में निवर्तमान महानिरीक्षक उपेन्द्र कांत अर्याल प्रहरी हेडक्वार्टर छोड़ने छत। 30 वर्ष सेवा अवधि के कारण वो सोम दिन से अनिवार्य अवकाश पौलन। हर विदाई के लिए बेरिया में 3:30 बजे कार्यक्रम राखल गेल छल, मुदा सरकार काम उतो का अबेर केला के बाद साँझ 6:30 बजे मात्र कार्यक्रम शुरू भेल। प्रहरी हेडक्वार्टर में विदाई कार्यक्रम चल रहा समय बालवाटार में आकस्मिक मंत्री परिषद के बैसार के तैयारी चल रहा छल। श्रोता के अनुसार प्रहरी नियमावली संशोधन कह के अपराधिक दिश के AIG डॉक्टर दिनेश चंद्र पोखरेल के काम देव के तैयारी के संग मंत्री परिषद के बैसार भजौने छल। अर्याल सेहो AIG पोखरेल के बुझ बुझारत कह के प्रहरी हेडक्वार्टर छोड़ने छत। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा स्थानीय पुनर्संरचना के प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदल के छलफल बहिष्कार कलक। सरकार आयोग के प्रतिवेदन अध्ययन कह सुझाव देव स्थानीय विकास मंत्री हितराज पांडे के नेतृत्व में कार्यदल गठन कलक। कार्यदल जिलागत रूप में प्रदेश नंबर 2 के सांसद सब संग परामर्श कलक, मुदा कार्यदल बजौने सह परामर्श में मधेशी मोर्चा के सांसद सब अनुपस्थित छल। कार्यदल सोम दिन सिराहा के सांसद सब संग परामर्श केने छल, मुदा मधेशी मोर्चा के संगे प्रमुख विपक्षी एमाले के सांसद सब सेहो सहभागी नहीं भेल। मोर्चा के नेता एवं सद्भावना पार्टी संसदीय दल के नेता प्रतिवेदन परिवर्तन कर के सुनिश्चितता है तखन मात्र कार्यदल कर वाला परामर्श में सहभागी है बतौनी है। स्थानीय पुनर्संरचना आयोग के प्रदेश नंबर 2 में मधेशी मोर्चा अवरोध केने छल। आयोग स्थानीय स्तर में परामर्श कक सहमति जुटाव चाला पर मधेशी मोर्चा अवरोध कला के बाद केन्द्र में सीमांकन कैल गेल छल। अखन सरकार मधेशी मोर्चा के असंतुष्टि संबोधन कर कहत अध्ययन कार्यदल बनौने अच्छे, मुदा वही के सेहो मधेशी मोर्चा असहयोग करत देखल गेल। प्रमुख विपक्षी एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल परामर्श में भाग नहीं लेब के कोनो नीति नहीं रहल बतौलन। सर्वोच्च अदालत DIG जय बहादुर चंद के प्रहरी प्रमुख में पदस्थापन नहीं कर दोसर आदेश दिलक। अपना के प्रहरी महानिरीक्षक बनाब के मांग करत DIG नवराज सिलवाल दायर केने रिट में सुनवाई करत प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के इजलास से चंद के
पदस्थापन नै कर कराव अन्तरिम आदेश देलकै छ। सङ्घीय संघकै प्रहरी प्रमुखमै बढुवा करके निर्णय 8 गते भित्र पेश कर आदेश देलकै छ। रिट निवेदक के दिशा अधिवक्ता सब शम्भू थापा तुलसी भट्ट टीकाराम भट्टराई गोविन्द बन्दी लगायत सब बहस कयने छल। प्रधान न्यायाधीश कार्की के एकल इजलास सर एक दिन मात्र संघकै प्रहरी प्रमुख बनाबके निर्णय कानूनी नै कर अन्तरिम आदेश देने छल। सरकार डीआईजी जयबहादुर चन्द के आईजीपी में बढ़ुआ कहने विरोध में वृद्ध वृद्धा सब सड़क में उतरल। सरकार नेपाल प्रहरी में मर्यादा क्रम के उल्लंघन करत आईजीपी नियुक्त कने कहत वृद्ध वृद्धा सब संगठन के अग्र समाज नेपाल सोम दिन काठमांडू में मीन भवन में प्रदर्शन कलक। सरकार गलत नियत के संग नियम कानून आ मर्यादा क्रम के उल्लंघन करत चंद के आईजीपी बनौने कहत वृद्ध वृद्ध आंदोलन में उतरल। सरकारक एहन प्रवृत्ति से देश में अराजकता बढ़त कहत तत्काल निर्णय फिरता लेब वृद्ध वृद्धा सब सरकार से मांग कने। आईजीपी में ई होवप्रत आ ई नहीं होवप्रत से बेसी नियम संघ तरीका से सर्वा बढ़वा नहीं भेला से कर्मचारी के मनोबल घटत आई लेल आंदोलन में उतर पड़ल अग्र समाज नेपालक अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली जानकारी दिलात। सरकार आईजीपी नियुक्ति संबंधी निर्णय फिरता नहीं लेब धर आंदोलन के निरंतरता देव वृद्ध वृद्धा से बतौनी आई। रवि दिन सेहो युवा सबक एक समूह काठमांडू के माइतीघर मंडला में आईजीपी नियुक्ति के विरोध में प्रदर्शन कने। रवि दिन भिनसर बैसल मंत्री परिषद बैसार से डीआईजी चंद के आईजीपी में बढ़ुआ करके निर्णय कने। रवि दिन सर्वोच्च अदालत चंद के आईजीपी में नियुक्त करके सरकारक निर्णय कानूनी नहीं कराव अंतरिम आदेश जारी कने। सोम दिन अदालत चंद के पदस्थापन नहीं कर फिर से दोसर आदेश दिलक। ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल धनसाधाम में भारतीय योगी चट्टी बाबा के अगुवाई में आयोजन होबय लागल दू हफ्ते महायज्ञ के तैयारी शुरू भेल। वन मंत्री शंकर भंडारी या खाने पानी तथा सरसफाई मंत्री प्रेम बहादुर सिंह सोम दिन भूमि पूजन कह महायज्ञ के तैयारी शुभारंभ कलत। वैशाख 14 गते से 27 गते धर होबय लागल महायज्ञ के तैयारी के लिए चट्टी बाबा दू हफ्ता आगुवे धनसाधाम पहुँचल। शरीर पूरा देह जुट के चट्टी से कपड़ा पहिरला के कारण से हुनका चट्टी बाबा सेहो कहल जाइत अछि। भूमि पूजन के बाद मंत्री सिंह हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र रहल महायज्ञ के राष्ट्रीय स्तर में प्रचार प्रसार कर आयोजक से आग्रह कलत। संबोधन के बाद बनल रेंज पोस्ट अवलोकन कर पहुंचल वन मंत्री भंडारी संग स्थानीय सब तराई के एकमात्र धनसाधाम वन के संरक्षण आ चिड़ियाखाना निर्माण के प्रस्ताव रखने छल। जवाब में मंत्री भंडारी किछ दिन के बाद हेठौड़ा में वन विकास संबंधी योजना गोष्ठी आयोजन होबय लागल जानकारी करबैत चिड़ियाखाना आ वन संरक्षण के स्पष्ट योजना लखाब आग्रह कलत। स्थानीय मंत्री संग धनसाधाम के वन के पौराणिक धार्मिक वन के रूप में संरक्षण करके चिड़ियाखाना निर्माण करके आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र निर्माण के संगे जनकपुर से लगकर धनसाधाम धर 4 लेन सड़क निर्माण के मांग रखने छल। एम्हर धनसाधाम से खाने पानी तथा सरसफाई डिवीजन के कार्यालय जनकपुर पहुंचल मंत्री सिंह कार्यालय द्वारा धनसा आ महतरी में संचालित परियोजना के विषय में जानकारी लेब के संगे परियोजना अंतर्गत कार्यरत धनसा आ महतरी के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था प्रमुख आ प्रतिनिधि सब संग परिचय के संगे परियोजना के प्रगति के विषय में जानकारी लेने छल। ओहि क्रम में ओ सब प्रमुख आ प्रतिनिधि सबके विभागीय निर्देशन सेहो देने अछि। सोम दिन विश्व रेडियो दिवस मनाओल गेल। संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो स्थापना भेल दिन के याद में हरेक वर्ष फरवरी 13 में रेडियो दिवस मनबैत अछि। सन 1895 में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी रेडियो के आविष्कार कयने छलथ। 122 वर्षक इतिहास रहल रेडियो सशक्त संचार माध्यम के रूप में साबित भेल अछि। एक रिपोर्ट। कोनो भी राष्ट्रक समग्र विकास में रेडियो के महत्वपूर्ण भूमिका रहैत अछि। विश्व में सबसे बेसी लोकक पहुँच में रह सफल प्रसारण माध्यम रेडियो के विकास प्रभाव आ प्रगति के सम्मान करैत यूनेस्को के 36वां साधारण सभा फरवरी 13 तारीखक दिन विश्व रेडियो दिवस मनेबाक घोषणा कयने छल। सन 1946 फरवरी 13 तारीखक दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ रेडियो स्थापना भेल दिनक याद में संसार भर रेडियो दिवस मनाब लागल अछि। रेडियो के आविष्कार इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी केने छला। ओ सन 1895 में बिना तार रेडियो संदेश प्रसारण कर सफल भेल छला। ओ बेलायतक किछ शहर में रेडियो तरंग के दूर दूर धरि पहुँचाब सफल भेल छला। मुदा रेडियो के और नीक आ प्रभावकारी बनाब वैज्ञानिक सबके और किछ समय लागल। तैं मार्कोनी के रेडियो के आविष्कारक से बेसी रेडियो प्रविधि के आविष्कारक रूप में लेल जाइत अछि। रेडियो शब्द के बात कैल जाए तो फ्रांसक भौतिक शास्त्री इडोवार्ड ब्रानली सन 1897 में रेडिएट कहल शब्द से रेडियो कंडक्टर शब्द प्रयोग में आनने छला। तहिना जर्मनी के नागरिक हेनरिच हर्ज रेडियो तरंग के उत्पादन ग्रहण कऽ सकबाक प्रविधि के विकास कयने छला। हुनकर इहे योगदान के कदर करैत रेडियो तरंगक फ्रीक्वेंसी यूनिट के नाप हर्ज शब्दक प्रयोग कयल जाइत अछि।
पहिने सैनिक प्रयोजनक लेल रेडियो के प्रयोग बेसी होइत अयला पर सन 1920 में लंदन में विश्व में पहिल बेर नियमित रेडियो प्रसारण सेवा के रूप में बीबीसी अपन सेवा शुरू कयने छल। एकर बाद धीरे धीरे विश्वभर रेडियो स्थापना होबय लागल। नेपाल में राणा प्रधानमंत्री युद्ध शमशेरक समय में राणा परिवार रेडियो सेट सुन लगल पर विक्रम सम्मत 2004 साल बाद मात्रे पद्म शमशेर सर्वसाधारण के रेडियो सेट राख अनुमति देने छला। विक्रम सम्मत 2007 जनक्रांति के समय में भारतक फरवेशगंज से रेडियो ट्रांसमीटर आनिक भोजपुर जिला आ एकर बाद विराटनगर में रहल जूट मिल से क्रांति के सफल बनाब रेडियो प्रसारण शुरू कैल गेल छल। जन क्रांति सफल भेला के बाद इहे उपकरण के काठमांडू के सिंह दरबार में आनिक रेडियो नेपालक रूप में 2007 साल चैत 20 गते से प्रसारण शुरू कैल गेल। अखन देश भर पसरल एफएम रेडियो के शुरुआत विक्रम सम्मत 2052 में रेडियो नेपालक एफएम बैंड से भेल छल। एकर बाद दक्षिण एशिया के पहल सामुदायिक रेडियो के रूप में 2054 साल जेट से रेडियो सगरमाथा प्रसारण शुरू कयने छल। एकर बाद निजी आ सामुदायिक तवर से बहुत एफएम सब खुज लागल। अखन देशक सब जिला में एफएम रेडियो स्थापना भ चुकल अछि। अखन रेडियो सभक संख्या करीब 600 पहुँच चुकल छै। सूचना मनोरंजन शिक्षा सहितक विषय वस्तु समेट कर एफएम रेडियो सब प्रसारण कऽ रहला सँ गाम घर में अखन संचारक पहिल माध्यम रेडियो बनल छै। अखन दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र आ पत्र पत्रिका समय में नहीं पहुँचा वाला ठाम सब में खुजल सामुदायिक रेडियो सूचना के प्रमुख आधार बन चुकल छै। नेपाल में रेडियो के विकासक इतिहास बहुत लंबा नहीं भेलो पर एकर प्रभावकारिता बढ़त गेल छै। देखिए जनकपुर में संचार जे पिछला किछ 10 वर्ष बहुत आगू बढ़ले एकटा क्रांति जगह लगे आ क्रांति लागल जनकपुर में रेडियो सबके विशेष महत्व छै। जनकपुर में जहाँ से रेडियो खोलें रेडियो पर संचारण में के बाद इत के लोग सब संचार प्रति जागरूको भेले आ जे पहले जो काठमांडू के संचार माध्यम छे किस सीमित व्यक्ति घर से सीमित छे जनकपुर में रेडियो खुलला के बाद घर घर में संचार प्रवाह में सहजता भेल छे आ हरेक लोग एहि के कारण से जागरूक भेल छे। राणा शासन हटाबा आ राष्ट्र के शोषण आ दमन से उन्मुक्ति दियाबा ओहि समय में प्रजातंत्र रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कयने छल। एना का हरेक परिवर्तन में रेडियो के महत्वपूर्ण भूमिका रहित आयल अछि। नागरिकक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षण आ प्रवर्धन में देशक रेडियो सब महत्वपूर्ण योगदान दऽ रहल छै। विकास लक्ष्य पूरा करैत सभ्य आ उच्च समाज निर्माण में विशेष कऽ सामुदायिक रेडियो सब पहरेदारी कऽ रहल छै। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष अशोक दत्त ग्रामीण क्षेत्र में संचालित रेडियो के विकासक लेल राज्य गंभीर नहीं रहल उपराग देने अपन टेलीविजन संघक बातचीतक क्रम में संघक प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दत्त ग्रामीण क्षेत्र में संचालित रेडियो सब विभिन्न किस्म के समस्या भोगत अब तो प्रोत्साहन के लिए सरकार गंभीर नहीं रहल उपराग देने समाज के सब वर्ग आ समूह के पहुँच में रहल रेडियो के सशक्त संचार माध्यम के रूप में विकास कर समाज आ सरकार के सहयोग आवश्यक रहल से ओ बतौलथ। अध्यक्ष दत्त रेडियो कंपनी सब आर्थिक रूप में मजबूत होबय नहीं सकला से गुणस्तरीय कार्य उत्पादन में असर पड़े बतौलने। स्थानीय निकाय के कर्मचारी सब सोम दिन सनिश्चित काल के लिए कामकाज ठप कयने। स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन संयुक्त समन्वय समिति करैत आयल चरणबद्ध आंदोलन अंतर्गत सोम दिन से स्थानीय निकाय के कामकाज ठप कयल गेल। धनुषा जिला विकास समिति आ जनकपुर उपमहानगरपालिका कर्मचारी सब सेहो कामकाज ठप कर दिन भरि धरना देने। ओ सब निजामती आ स्थानीय निकाय के कर्मचारी के एकटा व्यवहार कर के स्थानीय कर्मचारी सब के सेवा सुविधा के लिए प्रादेशिक कोष के स्थापना कर लगात के मांग रखने। धनुषाक सरकारी स्वास्थ्यकर्मी सब खोप बाह के सबटा सेवा ठप्प के आंदोलन में उतरल है। धनुषा स्थित संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के अगुवाई में स्वास्थ्यकर्मी सब जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय में धरना देने। स्वास्थ्य सेवा एन के दफा 9 के ख कार्यान्वयन तथा पद व्यवस्थापन के मांग रखे सब धरना में बैसल है। वो सब तह अनुसार के अधिकार तथा जिम्मेवारी देव के मांग रखने। वो सब अपना सबके मांग संबोधन नहीं होबे धरना जारी रख के चेतावनी देने। अस्पताल प्रशासन तलब नहीं देने कारण से जानकी मेडिकल कॉलेज सिटी अस्पताल के डॉक्टर आ कर्मचारी सब पुनः आंदोलित भेल। वर्षों से तलब हत्ता नहीं देने कहित कर्मचारी तथा चिकित्सक सब आंदोलन समिति बनाकर आंदोलित भेल।
कर्मचारी मुकेश ठाकुरक अध्यक्षता में 13 सदस्य संघर्ष समिति बनाकर सभा आंदोलित कराई है। रुपया पैसा बिना जीवक उपार्जन एकदम सहज नहीं रहा कहते सब अपना सभक मांग पूरा नहीं होब धेर के लिए आपत्कालीन सेवा बाहक संपूर्ण सेवा सब बंद कैल गया से प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनौलक। भोजपुरी चलचित्र जगत के चर्चित कलाकार सब जनकपुर आवे लगल है। फागुन 28 गते होली के अवसर में एसआर प्रोडक्शन प्रणाली भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार नायक दिनेश लाल यादव निरहुआ सहित के बहुचर्चित कलाकार सबके जनकपुर आन रहा है। जनकपुर के तिहुतिया गाछी में होबा लागल जनकपुर होली हंगामा नामक मैथिली भोजपुरी सांगीतिक तथा सांस्कृतिक पावन में सहभागी होब निरहुआ के संगे भोजपुरी फिल्म के चर्चित नायिका अम्रपाली दुबे नायक एवं निर्माता प्रवेश लाल यादव सुभी शर्मा आ सीमा सिंह सहितक दर्जनों कलाकार सब जनकपुर आवे लागल एसआर प्रोडक्शन प्रणाली जनौलक। तिरुतिया में गाछी में होब वाला ओ कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि उप प्रधान तथा गृह मंत्री बिमलेन्द्र निधि रहता तब मंत्री निधि भोजपुरी कलाकार सबके सम्मान करके कार्यक्रम से आयोजक जनौलक। कार्यक्रम में सहभागी होब वाला दर्शक के लिए टिकट 200 रुपया आ वीआईपी सबके लिए 1000 रुपया तोकल गया है। मैथिली आ भोजपुरी के संगीत तथा कलाकार सबके संबंध मजबूत बनाब तथा जनकपुर सहित इस क्षेत्र में रहल भोजपुरी चलचित्र आ संगीत के पार्की सबके लिए कलाकार संग प्रत्यक्ष भेटघाट कर के अवसर बनाब लेल होली महोत्सव मनाब के अवसर प्रदान कर से कार्यक्रम आयोजना कैल गया। पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराल गया। पत्रकार सम्मेलन में एसआर प्रोडक्शन प्रणाली के प्रबंधक संतोष राज सहनी नेपाली तथा भोजपुरी गायिका सेलिना कुंवर सहित उपस्थिति छल। कार्यक्रम के सह आयोजक जिमिका फिल्म्स प्रोडक्शन आ यूनाइटेड मीडिया इवेंट्स रहा है। वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष राम कुमार शर्मा आ नया शक्ति नेपालक नेता कलामुद्दीन नाइन आई 13 दिन से आमरण संचारी रखने छथ। जनकपुरक आर्थिक विकास आ समृद्धि में प्रभाव कर जेहन संस्थागत रूप में भ्रष्टाचार बढ़ल कहित 7 सूत्रीय मांग रखो सब जनक चौक में आमरण अनशन में बैसल छथ। लगातारक अनशन के कारण हुनकर सबक स्वास्थ्य अवस्था से दिन प्रतिदिन बिगड़ जा रहा है। पाकिस्तानक लाहौर में बम विस्फोट भेला से कमती में 13 गोटे के मृत्यु भेला है। लाहौर के पूर्वी क्षेत्र में भेल विरोध प्रदर्शन के क्रम में आत्मघाती बम विस्फोट भेला से अन्य 40 गोटे घायल भेल आ घायल में से 7 गोटे के अवस्था गंभीर रहल पाकिस्तानी संचार माध्यम सब जनौलक। विस्फोटन में पड़कर जान जाए वाला समय लाहौर के ट्रैफिक प्रहरी DIG अहमद मोमिन आ SSP के जाहिद मोहम्मद गोंदल से समाचार संस्था सब जनौने। स्थानीय एक फार्मेसी पंजाब प्रांत के दवाई बिक्री संबंधी कानून में संशोधन कर लगला में विरोध प्रदर्शन भ रहा ठाम में विस्फोट भेल। मोटरसाइकिल में आल आत्मघाती आक्रमणकारी प्रदर्शनकारी के बीच में बैस कर अपना आप के उड़ा लेने छल। तालिबान संग संबंधित समूह जमात अल उल अहरार विस्फोटन के जिम्मेवारी लेने आई है। पाकिस्तानी सेना के कार्रवाई अभियान के प्रतिक्रिया स्वरूप विस्फोट करने ओकर कहब जान जाए वाला समय अखनो संख्या बढ़ सकबा खतरा है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आक्रमण के निंदा कैलन ओ गुप्तचर विभाग के सजग रह निर्देशन से देने। अंत में हेडलाइन से एक बार फिर से आई 14 फरवरी अर्थात प्रेम दिवस विश्वभर आई प्रेम आदान प्रदान का प्रेम दिवस मनाओल जा रहा। निर्वाचन आयोग के लिए प्रस्तावित 3 आयोग की संसदीय सुनवाई आई से शुरू भ रहा। जयबहादुर चंद के प्रहरी प्रमुख में पदस्थापन नहीं कर सर्वोच्च के दोसर आदेश। कल विभिन्न कार्यक्रम का विश्व रेडियो दिवस मनाओल गया। आ पाकिस्तानक लाहौर में बम विस्फोट DIG आ SSP सहित 13 गोटे के मृत्यु। अपन ही सखन के लिए लगभग पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन TV। नमस्कार।